हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके अंदर कोई भी फियर है, किसी भी तरीके की गलत कंडीशनिंग, नेगेटिव प्रोग्रामिंग अगर हो गई है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में जो इसका पार्ट वन था बताया था कि किस तरीके से हमारे अंदर इंस्टॉल्ड फियर्स जो होते हैं वो हम रेफरेंस कलेक्ट कर कर या अपने किसी एक्सपीरियंस से जो फियर्स हमारे अंदर बैठ जाते हैं वो हमें कितना परेशान करते हैं, और फिर आपको वो अंदर अंदर इमेजिनरी फियर भी रियल फियर लगने लगते हैं और फिजिकल सिम्टम्स के रूप में भी परेशान करने लगते हैं, आपकी डे टू डे लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा सोल्यूशन दूंगी कि किस तरीके से आप माइंड की फंक्शनिंग को समझ सकते हैं, कि माइंड किस तरीके से फंक्शन करता है, और आप अपने उन फियर्स को कैसे कॉन्कर कर सकते हैं, कैसे एक फियर फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, समझना है, लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, शेयर ज़रूर करना है। और अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, बुक पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए, ये एक मास्टरपीस है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप ये देख रहे हैं मॉडल जो आपने मेरी कुछ वीडियोस में पहले भी देखा होगा कि जब भी हमारी लाइफ में कोई भी परिस्थिति आती है तो हमारा दिमाग उसका एक मीनिंग देना चाहता है। मीनिंग देने के लिए वो पास्ट की जो लर्निंग हो रही हुई है, चाहे वो कुछ उसकी एक्सपीरियंस के बेसिस पर हुई भी हो लर्निंग, जो भी एक्सपीरियंस कलेक्ट किए हैं या फिर रेफरेंसेस जो भी कलेक्ट किए हैं उसके बेसिस पर जो भी लर्निंग हो और उसने जो भी इंटरप्रिटेशंस निकाले भी हों, ये सब हमारे पास पहले से ही स्टोर्ड होता है। तो जब भी कोई सिचुएशन होगी हमारी लाइफ में, तब उसमें माइंड मीनिंग देने के लिए पहले जो उसके पास बैकअप है उसको ज़रूर चेक करेगा, और चेक कर आपको क्या करेगा, ऑटोमेटिक थॉट सर्व करेगा। ऑटोमेटिक थॉट सर्व करेगा, जिस तरीके की, जिस क्वालिटी की थॉट होगी वैसा ही आपके अंदर इमोशंस महसूस करने लगेंगे आप, और फिर आपका बिहेवियर अकॉर्डिंगली, वो इमोशंस का रिफ्लेक्शन आपके बिहेवियर में आएगा ही आएगा। अब अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं पड़ा हुआ है, कोई रेफरेंस नहीं है किसी तरीके का, हमने कुछ भी अंदर स्टोर नहीं किया है, तो वो सिचुएशन आपके लिए एक फ्रेश होती है और माइंड एक फ्रेश मीनिंग देता है जो कि पास्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। बात कर रहे हैं हम फियर्स की। मैंने आपको इससे पहले पार्ट वन में बताया था कि किस तरह से हमारे अंदर जन्मजात दो फियर होते हैं, फियर ऑफ फॉलिंग और फियर ऑफ लाउड नॉइज, एंड बाकी जो होते हैं इंस्टॉल्ड फियर करते जाते हैं, छोटे से छोटे फियर्स जो कि इस मोटिव से कि हम थोड़ा डिसिप्लिन में रहें या फिर सब चीज़ों को फॉलो करें, तो इसलिए इंस्टॉल उस इंटेंशन से किए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी एक डर की मनोविज्ञान हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, एक फियर की साइकोलॉजी बन जाती है और हम ज़्यादा डरने लगते हैं। तो कुछ तो रियल फियर हैं जिनसे डरना भी चाहिए, लेकिन उनका क्या जो कि कोरा एक इमेजिनरी फियर है, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपने दूसरों को देखकर एनवायरनमेंट से कैच कर लिया और वो आपके अंदर अब इतना रियल, क्योंकि विविड इमेजिनेशन जो आपने की है उसके लिए, उसे सच मान लिया है, उसका रीइन्फोर्समेंट बार बार किया है, और अब आपके लिए वो डर है, चाहे वो मौत का डर हो किसी इंसान को, या किसी इंसान को अपना कुछ खो देने का डर हो, या किसी इंसान को वो कोई भी डर हो, चाहे वो उस इंसान को मतलब एक छोटी से छोटी बात भी जिसको दूसरे लोग उसकी आंखों के सामने फेस कर रहे हैं लेकिन वो नहीं फेस कर पा रहा है, तो वो कोई सा भी डर हो सकता है किसी भी इंसान को, चाहे वो हाइट का डर हो या फिर उसकी हेल्थ को लेकर उसको कोई बड़ी बीमारी होने का खतरा हो, कुछ भी। अक्सर जैसे कॉमन साइकोलॉजी में लोग आते हैं ना कि कैंसर होने का खतरा है या फिर लोगों को हार्ट अटैक होने का खतरा, ये मतलब दो तीन तरीके के फियर्स या मरने का डर, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं लोगों को। इसके अलावा बाकी और डर भी होते हैं, जॉब चले जाने का, फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी, वो सब भी होते हैं। लेकिन अगर एक इंसान को अपने जीवन पर ही डर मतलब बढ़ जाए कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे कैंसर आ जाएगा, मेरी मौत हो जाएगी किसी वजह से, तो वहाँ पर उसके लिए एक एक पल काटना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब माइंड अगर आपको रिपीटेडली ये ऑटोमेटिक थॉट दे रहा है बार बार, ये यहाँ पर फियर इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस है, और वो बार बार जब ऑटोमेटिक थॉट आपके अंदर चल रहा है तो वहाँ पर क्या है, वो आपके अंदर सिम्टम्स भी वैसे ही पैदा करेगा, मतलब इमोशनल लेवल पर आप वैसे ही फील करेंगे, एंड देन बिहेवियर में भी लोग चेक करते लगते हैं, एस्केप लेने लग जाते हैं, और फिर वो लाइफ में बिल्कुल ही विड्रॉल मोड में चले जाते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि थॉट
एकदम से ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं होता, थॉट नहीं घूमता, लेकिन बिना थॉट घूमे हुए भी आपके अंदर वो फीलिंग्स महसूस करते हैं, मतलब जैसे बड़ी हुई हार्ट बीट महसूस कर रहे हैं, ब्रेथलेसनेस महसूस कर रहे हैं, रेस्टलेसनेस महसूस कर रहे हैं, एक्सेसिवली स्वेटिंग हो रही है, अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, तो वो बिना उस थॉट के चलते हुए भी उन सिम्टम्स को ही बेसिकली फील कर रहे हैं, क्योंकि माइंड क्या है, वो ऑटो मोड पर चला गया है, मतलब अब आपको ट्रिगर दबाने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री हो गया है, वो इतना दबा कि वो फ्री हो गया है, मतलब वो चालू है, अदरवाइज थॉट उसको ट्रिगर दे रही थी, क्योंकि हमारे अंदर इमोशन सब तरीके के होते हैं, लेकिन हर वक्त हम उन इमोशंस को फील नहीं करते हैं, उसको फील करने के लिए इन्वायरमेंट से कोई क्लू मिलना चाहिए, मतलब चाहे वो क्लू हम दें, हम दबाएं उस ट्रिगर को, या फिर कोई और दबाए, मतलब कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए, कुछ दिमाग में थॉट आनी चाहिए, जैसे अभी हमारे अंदर जेलेसी भी है, हमारे अंदर काइंडनेस भी है, हमारे अंदर लव भी है, सब इमोशंस है, लेकिन इस टाइम हम एंग्री जेलेस ऐसे फील नहीं करें, क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट से कोई भी ऐसा ट्रिगर मिला नहीं हमें, हमने ऐसा कुछ भी अपने माइंड में थॉट नहीं लेकर आए, तो वो इमोशन होते हुए भी हम फील नहीं करेंगे, लेकिन अब वो इतना दब चुका पहले कि अब वो फ्री हो गया है, तो बिना किसी स्पेसिफिक ट्रिगर के भी आपको वो सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, और हर समय एक भय की स्थिति सी बनी रहती है, पूछा जाए भाई क्या बात है, कुछ ऐसा हुआ या कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आता, बस हो रहा है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है, तो इस तरीके के फियर को पहले आपको समझना होगा कि माइंड आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो माइंड की फंक्शनिंग को समझो कि माइंड जो ऑटोमेटिक थॉट देता है वो कैसे देता है, समझिए माइंड की फंक्शनिंग को, माइंड कैसे फंक्शन करता है, जो भी उसने एक्सपीरियंस को कलेक्ट किया है, जो भी उसने रेफरेंसेस को कलेक्ट किया है, और उन सब के बेसिस पर आपने जो इंटरप्रिटेशन निकाली है वो सब अंदर स्टोर्ड है, ये तो आप जानते ही हैं, अब माइंड क्या करेगा, एज्यूम करेगा पहले स्टेप में, उस सारा जो उसके पास बैकअप है, जो अंदर स्टोर्ड है, उसके बेसिस पर वो अपनी अजम्पशंस चालू करेगा, मतलब अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना, अपनी कल्पनाएं करना चालू करेगा, क्योंकि माइंड का ये फीचर है, उसके पास जो कुछ है, जैसे एक लेडी के पास घर में जो सब्जियां फ्रिज में रखी होती हैं, तो उससे ना दिमाग लगा दिए कि कौन सी ऐसी डिश बना लूँ इससे, ठीक है, सो वो क्या है, एक अनुमान, एक कल्पना, एक अंदाज़ा, कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश करे, ऐसे ही हमारा माइंड भी क्या है, जो उसके पास पहले से ही मटेरियल पड़ा हुआ है, चाहे वो एक्सपीरियंस से आया हो, रेफरेंस से आया हो, कहीं से भी आया, उसके बेसिस पर वो कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ एज्यूम करने की कोशिश कर रहा है, अब वो सब जब ये क्रिएट करने की कोशिश, एज्यूम करने की कोशिश करता है, वहाँ पर वो फिर इसका कंपैरिजन भी चालू कर देता है, अब वो कंपैरिजन चालू कर देता है और फिर आपको एक्सप्लेन करने लगता है, तो ये 3 स्टेप में हमारा दिमाग काम करता है, अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक पर्सन जिनको ऐसा हुआ कि अचानक उन्होंने रात को अपने फ्रेंड की मौत की खबर सुनी, मैसेजेस देखे, उन्होंने उनको मैसेज से पता चला और उनको एकदम से घबराहट सी महसूस हुई, क्योंकि एक तो फ्रेंड ऊपर से यंग और उसकी डेथ सुनकर एकदम से घबराहट सी महसूस हुई, नेचुरल है, दुख होता है, तकलीफ होती है, कई बार थोड़ी सी घबराहट सी भी होती है, लेकिन अब उस घबराहट को जो उन्होंने महसूस किया, उसको महसूस करते करते उन्होंने अपनी कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशंस निकाली उससे और अपने ऊपर उसको ले लिया, सीधा जनरलाइज कर लिया कि यानी कि आजकल तो किसी का किसी भी एज में कोई भरोसा नहीं है, भाई अगर कोई बाहर से हेल्दी दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है और लंबे समय तक जिएगा, तो मैं भी ऐसा लग रहा हूँ, पता नहीं मेरे को कुछ अंदर अंदर बीमारी ना हो, पता नहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मतलब इस तरीके का थॉट पैटर्न उनका चलता रहा उस इवेंट की, उन्होंने इस तरीके से इंटरप्रिटेशन निकाली और दूसरे की लाइफ को जो भी उन्हें रेफरेंस मिला उसे अपने ऊपर जर्नलाइज करना शुरू कर दिया, तो उनके अंदर उस तरीके की प्रोग्रामिंग सेट हुई, तो ये उनके दिमाग में घूम रहा था, एक तो दोस्त को खोने का गम और ऊपर से अपने इस तरीके के इंटरनल डायलॉग्स, तो उनके अंदर वो चीज़ उन्होंने इतने इमोशन से फील करी और बिठा ली कि उनके अंदर वो घबराहट कई दिनों तक बनी रही, अब वो घबराहट कई दिनों तक बनी रही तो डर और बढ़ता चला गया, रिपोर्ट्स वगैरह कराएं सब नॉर्मल है, लेकिन वो जो डायलॉग थे वो रुक नहीं रहे थे, वो बार बार अंदर स्टोर्ड हो रहे थे, क्योंकि जो भी आप रिपीटेडली अपने आप से बार बार कहते हो, कहीं से रेफरेंस कलेक्ट करते रहते हो, आपके साथ एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, वो सब लेयर 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 अंदर अंदर जुड़ती रहती है, तो वो सब जुड़ रही थी, अंदर अंदर सब कुछ हो रहे थे, तो अब दिमाग उसकी बेसिस पर एज्यूम करने लगा कि तुम्हें तो ये घबराहट सी बनी है, टेस्ट में नहीं आ रहा है, डॉक्टर को तुम्हारी बीमारी समझ में नहीं आ रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, अब दिमाग क्या है उसकी खिचड़ी पका रहा है, जबकि फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, डॉक्टर्स इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, भाई तुम हेल्दी हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यंग भी हो तुम, सब कुछ सही है, कुछ ऐसा खतरा नहीं है, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है, लेकिन उस पर्सन को क्या है, वो घबराहट बनी हुई है,
उसका दिमाग उसको एज्यूम कर करके उसकी मौत दिखा रहा है, उसका दिमाग जो है ना उसको इस उसमें एज्यूम्शन में फंसा रहा है, वो ऐसी कल्पनाएं कर रहा है, वो इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आपने उसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकाली थी। आपने ये यंग, मैं भी यंग, ये भी हेल्दी दिख रहा था, मैं भी हेल्दी दिखता हूँ, इसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, और आपने ये इंटरप्रिटेशन बहुत इमोशंस के साथ अंदर स्टोर कर ली थी। अब उसके पास जो स्टोरेज है, जो अंदर उसके पास मटीरियल पड़ा हुआ है, जो आपने फीड किया है, वो उसी के बेसिस पर एज्यूम कर रहा है, क्योंकि आपने जो उसे दिया ये उसका रिफ्लेक्शन, ये बिल्कुल ईगो की तरह। अगर आप इसमें ये भरेंगे मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, सब कुछ बढ़िया है, मस्त है, लंबा जीऊँगा, तो ये आपको यही सुनाएगा तुम हेल्दी हो, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ मस्त है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें भरोगे मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे को कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ, कहीं मेरे रिपोर्ट्स ऐसा तो नहीं है कि ये रिपोर्ट जो है ना ठीक नहीं आई हो, डॉक्टर को समझ में नहीं, डॉक्टर ने ध्यान से ना देखा, जो आप भरेंगे ये उसी तरीके का रिफ्लेक्शन, तुम्हारे केस में ही कुछ गड़बड़ है। अब ये बाद में पता चलेगा, अगर तुम्हें लास्ट स्टेज पे पता चला तो क्या होगा, तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार का क्या होगा, ये होगा वो होगा, वो ये भरना जो आपने भरा ये उसी को ही गाना बजाना शुरू कर देगा, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखकर समझ ही गए, मैंने बताया था कि ये रिकॉर्डर है, जो आप इसमें भरेंगे बस ये तो वही गाना बजाना आपके दिमाग में शुरू कर देगा। तो ये जो अजम्पशन करता है, ये अजम्पशन किस बेस पर कर रहा है, जो अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हुई भी है, यानी कि जो अज्यूम कर रहा है उसके पीछे क्या है, आपकी प्रीवियस रिकॉर्डिंग है भाई, ये इसमें अंदर आपकी प्रीवियस रिकॉर्डिंग है। तो आपको समझना है कि जो एज्यूम थॉट, यानी कि जो डिस्टॉर्टेड थॉट ये आपको देने की कोशिश कर रहा है, जो दिमाग में कल्पना बना रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जो भी हम डायलॉग्स फीड करते हैं या हमारा दिमाग जो बताता है उसकी इमेजेस भी साथ के साथ फैच होती रहती हैं या फिर हमारा दिमाग बनाता रहता है, ये इसका फीचर है। अब वो जो खिचड़ी पका रहा है अंदर अंदर, रिज्यूम कर रहा है, कल्पनाएं चल रही हैं, तो समझो उसका आधार क्या है, मतलब उसका बेस क्या पड़ा हुआ है, अंदर किस बेसिस पर कर रहा है, क्योंकि अगर अंदर कुछ फीड नहीं होगा तो वो कल्पनाएं नहीं कर सकता, वो रिज्यूम नहीं कर सकता, वो कुछ खिचड़ी नहीं पका सकता। सिर्फ और सिर्फ वो अजम्पशन इसी बेसिस पर कर सकता है कि आपने कुछ ना कुछ उसके अंदर पहले से डाला हुआ है, मतलब आधार है, बिना आधार के तो वो टिकेगा ही नहीं। अब क्या है कि दिमाग में कुछ भी नहीं होगा तो दिमाग के पास क्लियर तस्वीर नहीं होगी, और जब तक दिमाग के अंदर कोई क्लियर तस्वीर नहीं होगी तो वो आपको वो फियर वाला इमोशन महसूस नहीं करा सकता। जो लोग कुछ फ्रेश क्रिएटिविटी, कुछ फ्रेश क्रिएटिव आइडिया के लिए लेकर कंप्लेन करते हैं, उनके पास भी तो कुछ आधार होता है ना, कुछ तो बेस होता है, बिना बेस के थोड़ा ना खिचड़ी पकाई जाती है। तो जब किसी के पास कोई बेस ही नहीं होगा तो वो आगे की कल्पनाएँ, वो आगे की अजम्पशंस, वो सारा का सारा जो ये प्रोसेस है वो वहीं पर ही रुक जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग चेक करनी है, और आपको चेक करना है कि किस बेसिस पर, मतलब इसका बेस क्या है, किस आधार पर ये कर रहा है अजम्पशंस इस तरीके की। जब आप इसको पूरा का पूरा देखेंगे कि इससे रिलेटेड मेरे दिमाग में क्या रेफरेंस, मैंने क्या इंटरप्रिटेशन निकाली, या कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं रहा मेरे साथ, तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस आधार पर इस तरीके से अजम्पशन कर रहा है। अब इसकी नेचर है कंपैरिजन करना। अब मान लीजिए किसी दिन इंसान को कुछ नेचुरली ऐसी थोड़ी सी घबराहट हो गई, और अभी फिर आपको थोड़ा टाइम बाद हुई, तो वो क्या है, उस इवेंट से, आपके इवेंट से भी कंपैरिजन करने लग जाएगा, वो घबराहट कैसी थी, वाली घबराहट कैसी थी, उस दिन क्यों हुई थी और आज क्यों हुई, वो इस तरीके से दूसरे से भी कंपैरिजन करने लग जाएगा, मतलब फेयर और अनफेयर दोनों तरीके की कंपैरिजन करने लग जाएगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पर फेयर भी और अनफेयर भी करने लगता है। भाई एक इंसान अपनी ही लाइफ से अपनी ही हेल्थ को कंपेयर करे कि भाई आज से 2 साल पहले मेरी हेल्थ कैसी थी और आज मेरी हेल्थ कैसी है, तो बात सही है, फेयर है। लेकिन अगर किसी दूसरे से करने लग जाए तो ये तो बड़ा अनफेयर है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं ना दूसरे की लाइफ में एक्चुअल में है क्या। आपको तो उसकी फैंसी वाली लेयर दिखाई देती है, आपको तो टॉप लेयर दिखाई देती है, उसके पीछे की इतनी सारी लेयर्स तो दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन कुछ फियर्स हमारे क्या होते हैं, अनफेयर कंपैरिजन की वजह से होते हैं। और ये अनफेयर कंपैरिजन में क्या करता है दिमाग, फियर कैसे कैच करता है, जनरलाइज कर लेता है। जैसे जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि किसी दूसरे की डेथ हुई अचानक से, तो उस पर्सन ने क्या किया, अपने ऊपर ले लिया कि भाई मैं भी यंग हूँ, मैं भी ऊपर से हेल्दी दिखता हूँ उसकी तरह, और मेरे साथ भी हो जाएगा, अनफेयर कंपैरिजन कर लिया। अब वो इन्फॉर्मेशन आई जो उसके बेसिस पे अज्यूम करा, अनफेयर कंपैरिजन स्टार्ट कर लिया, क्योंकि इसमें फेयर कंपैरिजन नहीं होता, फेयर होता है तो पर्सन के लिए पॉजिटिव होता है ना, वो अपने लिए कुछ भी अच्छा प्लान कर सकता है, अपने आप को बेटर कर सकता है। बट जब अनफेयर होगा तो उसमें तो उसका दिमाग प्रॉब्लम में अटक जाएगा, तो वो तो कुछ सोल्यूशन देखेगा ही नहीं, तो अनफेयर कंपैरिजन करने लग जाता है, और वो
कंपैरिजन करते वक्त ये भूल जाता है कि जिस वक्त से या जिस पर्सन से जिस परिस्थिति से वो कंपैरिजन कर रहा है वहाँ पर एक्चुअल में उस टाइम पर क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं। मान लीजिए कोई चीज़ किसी के केस में वैलिड है, जेन्युइन है, बट वो आपके केस में कैसे है, या कोई चीज़ चलो मेरे ही केस में आज से 2 महीने पहले तक तो चलो वैलिड थी, लेकिन अब 2 महीने बाद वो सिचुएशन सारी बदल गई, सर्कमस्टांसेस बदल गए, मेरा थॉट प्रोसेस बदल गया, सब कुछ बदल गया, तो वो जो चीज़ 2 महीने पहले तक ठीक थी वो अब कैसे ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन ये क्या करता है, कंपैरिजन करते वक्त ना वो वाले फैक्टर्स तो मिस ही कर देता है और अनफेयर कंपैरिजन कर वो फियर को और बढ़ाता रहता है, जनरलाइज कर देता है। तो अनफेयर कंपैरिजन में क्या करता है ये भाई, जनरलाइजेशन कर लेता है और ये सारा काम खराब कर ये आपको क्या करता है, एक्सप्लेन करता रहता है। मतलब ये ऐसे ऐसे फॉल्स एविडेंसेस भी आपके लिए क्रिएट कर देगा जिसके बेसिस पर ये आपको यकीन दिला देगा, क्योंकि इसके पास पास लर्निंग में पड़ा है ना वो एक्सपीरियंस, वो इतने सारे जोड़ जोड़ के ला देगा और आपको इतना एक्सप्लेन करेगा, इतना कन्वेंस कर देगा कि आपको यकीन आ जाएगा कि हाँ मेरा दिमाग जो कह रहा है वो ही बिल्कुल सही कह रहा है। क्योंकि अक्सर लोगों को गलतफहमी है कि दिमाग जो है वो कंट्रोल करना जानता है और हमारा दिमाग के हाथ में सारी पावर्स है। उनको ये नहीं पता कि दिमाग के हाथ में सारी पावर्स नहीं, सारी पावर्स तो आपके अंदर है, आप जो चाहोगे आपकी लाइफ में वो होगा, ना कि जो आपका दिमाग चाहेगा। दिमाग तो एक तरीके का रिकॉर्डर है, जो भरा जाएगा बस उसी का गाना बजाना शुरू कर देगा। तो आपको नया गाना सुनना है तो फिर नया पहले फीड करना पड़ेगा, लेकिन ये बजा इतनी क्लैरिटी के साथ रहा है कि एक पर्सन कंफ्यूज हो रहा है, इसकी धमक इतनी तेज है या ये इतना विविड एक्सप्रेशन कर रहा है उस चीज का, इतना ब्यूटीफाई करके, इमेजेस ऐड कर, इमोशंस ऐड कर, या आपको इतना क्लियर डिटेल्ड जो है ना एक्सप्लेन करता है कि आदमी को लगता है कि यही सच है, मेरे कंट्रोल से सब बाहर है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है ना वो बड़ी ही विविड होती है, बड़ी ही क्लियर होती है, इमोशंस भी इसमें ऐड कर देता है, ये इमेजेस भी ऐड कर देता है और एक पर्सन तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि गया। और वो क्या करता है, ऑटोमेटिक थॉट जब उसके सामने आती है तो उसको बाकी सब कुछ, मतलब अपने ऊपर से भरोसा आ गया, वो जो सिचुएशन अब बदल गई है या जो उसको बाहर से लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एविडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आते। मतलब समझ में आते हुए भी, मतलब लॉजिकली वो जानता भी है सब कुछ कि भाई टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आई है, एक जगह नहीं कई जगह कंसल्ट कर लिया है, सब कुछ ठीक है, या जरूरी नहीं दूसरे के साथ जो हुआ है वो मेरे साथ भी होगा, ये सब कुछ जानते हुए भी उसका मन एक्सेप्ट ही नहीं करता है उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जितनी इमोशनल इंटेंसिटी स्ट्रांग होती है उतना ज़्यादा इंसान डरता है, घबराता है, वो उस फियर को डेयरिंग एटीट्यूड के साथ बिल्कुल भी फेस नहीं कर पाता और गलती क्या करता है, सबसे बड़ा एस्केप ले लेता है। अब एस्केप लेने की वजह से वो फियर बढ़ता चला जाता है, मतलब फियर क्या है आपका, ऐड होता चला जाता है। तो पर्सन क्या करता है, यहाँ पर वापस से स्लाइड पर आ जाते हैं, जब भी उसका दिमाग ये जो ऑटोमेटिक थॉट दे रहा है उसको फियर दे रहा है, अभी मैंने बताया ना कैसे कर रहा है, वो अज्यूम कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो वहाँ पर जो ऑटोमेटिक थॉट उसके दिमाग में आ रही है अपने आप ही आती है, लोगों को इस तरीके का ऑब्सेशन हो जाता है उस थॉट से, अब आती है यहाँ पर, तो वो इमोशंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फियर महसूस करते हैं। यहाँ पर उनके बिहेवियर में क्या गलती हो जाती है, एस्केप लेते हैं वो। जो एस्केप लेते हैं यानी कि आपने वो जो आपके अंदर थॉट चल रही थी, जो आपके अंदर इमोशन चल रहा था, उसको एस्केप लेकर वैलिडेशन दे दिया आपने, मतलब आपने उसको रियल मान लिया। अब आप एस्केप लेंगे या फिर आप उसके लिए इतना ऑब्सेस्ड होकर उस पर ही एक्स्ट्रा फोकस डाल देंगे, या तो आपने एस्केप ले लिया या आपने क्या किया, एक्स्ट्रा फोकस डाल दिया उस चीज़ पर। अब आप उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए और आपके बिहेवियर में क्या है, आपका प्रॉब्लम पर ही फोकस है, मतलब जो एक्स्ट्रा फोकस है वो किस चीज़ पर है, आपका केवल प्रॉब्लम पर फोकस है। तो क्या होगा, जब आपका प्रॉब्लम पर फोकस होगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ पर भी हम फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ने लग जाती है, और जहाँ पर हमारा फोकस नहीं होता, जो आउट ऑफ फोकस चीज़ें होती हैं वो होती वहीं हैं लेकिन वो हमारे माइंड के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। एस्केप लेने का मतलब ये है कि आपने उस फेक फियर को आपने क्या किया, उसको रियल मान लिया। तो जब भी आप एस्केप ले लेते हैं
तो माइंड के लिए एस्केपिज्म भी एक एक्शन की तरह होता है, मतलब जो भी हमारे दिमाग में थॉट्स आ रही हैं, जिस तरीके के इमोशंस हम फील कर रहे हैं, उस पर हम किसी भी तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, रियलिटी बन जाती है। जब तक आप अपने थॉट्स पर एक्ट नहीं करते हैं, तब तक वो आपके ब्रेन के लिए रियलिटी नहीं बन जाती है। लेकिन जैसे ही आपने फेक फियर पर भी, फेक थॉट्स पर भी, जो जनरलाइज डिस्टॉर्टेड थॉट्स हैं, उस पर भी आपने किसी भी तरीके से एक्ट करना शुरू कर दिया आउट ऑफ फियर, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे एक्ट कैसे करते हैं ना लोग, टेस्ट कराते रहते हैं अपने, उनको पता है कि सभी कुछ ठीक है, और थोड़ा सा मैं अपने थॉट्स लेवल पर, अपने जो फीलिंग्स आ गई अनकम्फर्टेबल, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू, लाइफस्टाइल चेंज करने के थ्रू, डाइट के थ्रू काम करूंगा, तो ये सब चीज़ें चली जाएंगी। लेकिन वो पेशेंस नहीं रखे, जो एक्शंस लेने लग जाते हैं, जैसे कई सारे टेस्ट कराने लग जाते हैं, लोगों से रीअश्योरेंस लेने लग जाते हैं, गूगल सर्च करने लग जाते हैं, तो वो क्या है, इस तरीके के उस डायरेक्शन में जो उनका फियर गाइड कर रहा है एक्शन लेने की वजह से, वो चीज़ उनके लिए रियल बन जाती है, क्योंकि एक्शन लेते हैं वो रियल। तो आपको क्या करना है, आपको जो एक्शन लेने हैं, यहां पर आपके जो बिहेवियर होना चाहिए उस टाइम, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। यानी कि ये प्रॉब्लम, मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि किसी को हार्ट अटैक का खतरा, किसी को मौत का डर लग रहा है, या किसी को किसी और चीज का डर लग रहा है, तो आप देखिए कि इसका क्या सोल्यूशन है। मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ये डरने के बजाय कि अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक का कोई रिस्क होता है तो वो कैसे पता चलता है, और एक पर्सन को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या अपने लाइफस्टाइल में अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, या कभी हार्ट अटैक आ जाए तो उसके लिए इमीडिएट क्या केयर होनी चाहिए, इमीडिएट एक्शंस क्या होने चाहिए, इस बात की थोड़ी सी नॉलेज अगर आप रख कर अपनी लाइफस्टाइल को सुधारते हैं, अच्छी आदतों को अपनाते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, एक अच्छा हेल्दी माइंड आप मेंटेन करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में क्या है, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अपनाकर अपने माइंड को फियर से आप एकदम नॉर्मल रिलैक्सेशन वाले जोन में शिफ्ट कर लेंगे, और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ फियर में अटक गए, चाहे वो फियर डेथ का हो, जैसे किसी को ना एक अनोन सा फियर होता है कि मरने का डर, अब वो चाहे कैंसर से मरने का डर हो, या हार्ट अटैक से, या एक्सीडेंट की वजह से, लोगों का एक्सीडेंट का भी बहुत फियर होता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा और मौत हो जाएगी किसी भी उससे, तो अब क्या है, पॉसिबिलिटी तो देखो रिस्क तो हर इंसान को होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता ना कि एक इंसान की लाइफ रिस्क फ्री है, कभी कभी इतना अनसर्टेन सिचुएशन, सडन सिचुएशंस आ जाती हैं, मिसहैपनिंग्स होती हैं। रिस्क को कभी भी जीरो नहीं किया जा सकता, रिस्क को हमेशा मिनिमाइज किया जा सकता है, तो आपके हाथ में जो है आपको वही एफर्ट्स डालना है, तो आपको हर रिस्क को मिनिमाइज कर एक अच्छी लाइफ को जीना है, आपको अपने एक्शंस के लिए अवेयर रहना है, आपको माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, अच्छी आदतों को अपनाना है। लेकिन भय के साए में जिएंगे, क्योंकि भाई अगर आप सड़क पर जा रहे हैं तो देखिए क्या है, रिस्क तो हो सकता है ना एक्सीडेंट का, आप ठीक चला रहे हैं लेकिन सामने वाले का कोई भरोसा नहीं है, तो जरूरी थोड़ा ना है कि आपकी गलती की वजह से ही हमेशा एक्सीडेंट होगा, दूसरे की वजह से भी हो सकता है। अब रिस्क तो है, लेकिन इसका मतलब क्या हम बाहर जाना छोड़ दें? नहीं, मौत तो सबको आनी है, किसी को जल्दी तो किसी को देर में, और किसी को किसी वजह से तो किसी को किसी वजह से। अब क्या मौत आएगी तो इसके डर की वजह से हम जीना छोड़ दें? नहीं, अगर आपके साथ वाकई ही कुछ कभी कोई हादसा हो भी गया है, जैसे एक बार 2006-07 में जब मेरी शादी 2005 में हुई थी, तो उसके एक साल के बाद ही यहाँ मेरठ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, एक पार्क में आग लग गई थी, तो उसमें बहुत सारे लोग को बहुत नुकसान हुआ था, बहुत सारी जानें गई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी लोगों को। तो उसमें क्या है कि कुछ लोग ऐसे जिनके साथ ये हादसा उन्होंने फेस किया था, वो ज़िंदा बच गए, और उसमें से हमारे भी एक दो नोन्स थे, तो उनको काफ़ी लंबे समय तक डर बना रहा, लेकिन धीरे 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 उन्होंने वापस लाइफ में लौटना जो है ना सीख लिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि एक इवेंट लाइफ को रोक नहीं सकता। लेकिन वहीं पर मैंने एक दो लोगों को ऐसे भी देखा जिनकी लाइफ वहीं पर रुक गई, उन्होंने फिर पब्लिक गैदरिंग्स में इस तरीके के कोई भी मेले या किसी भी ऐसे जहां पर सोशल इवेंट होना था, उन सबको जाना अवॉइड कर दिया, और उनकी लाइफ धीरे 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 बहुत ख़राब होने लगी, उस डर इनके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो गया कि वो अपनी लाइफ को बिल्कुल ही अपने घर में चार दीवारी में बंद रहकर जी रहे हैं। मतलब इस तरह से ज़िंदगी जीने का फैसला जो लेना है वो सही नहीं है। ये एक रियल एक्सपीरियंस था जिसमें वास्तव में लोगों के साथ ऐसा हुआ, तो थोड़ा डर बैठना एक नेचुरल था, लेकिन उस डर से भी आपको जो है ना निकलना ही होगा, क्योंकि वास्तव में अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार वैसी ही परिस्थिति बनेगी,
ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर बार जो परिस्थिति उस वक्त बनी थी, जिस वजह से वो हादसा हुआ था या जो भी उस टाइम हालात रहे, सो ऐसा तो है नहीं ना कि बिल्कुल हमेशा हर बार ऐसा ही रिपीट होगा। हर परिस्थिति नई तरीके से, तो सावधानियाँ बढ़ानी है। ऐसा नहीं है कि हमें वहीं पर ज़िंदगी को ठहरा लेना है। बस हर बार अपना जो भी इवेंट हुआ है, अगर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपका रहा है, तो उसमें सावधानियां बढ़ानी है। मतलब अपने आप को बेहतर करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को तैयार करना है और फिर से वापस लाइफ में लौटना है। तो चाहे वो रियल किसी एक्सपीरियंस की वजह से आपकी लाइफ में कुछ डर बैठा है, या फिर दूसरे के एक्सपीरियंस से आपने जनरलाइज कर लिया, या प्योर कोरा आपका इमेजिनरी एक्सपीरियंस है मे बी चाइल्डहुड कंडीशनिंग की वजह से, जैसे कि किसी बच्चे ने भूत भूत सुना या अंधेरे के बारे में सुना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े होकर भी ना अंधेरे में नहीं जा पाते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा बहुत ज़्यादा सुना है, लोग बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, धोखा देते हैं, तो लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, उनको ना चीटिंग का फियर होता है। तो चाहे वो आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग की वजह से कोई फियर आपको कंट्रोल कर रहा हो, या फिर किसी रेफरेंस की वजह से कोई फियर कंट्रोल कर रहा हो, या फिर वो आपके किसी पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से कंट्रोल कर रहा हो, आपको हर फियर को सावधानी से कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आपको उसको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप अपने फियर को फेस करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आप फियर से आउट हो जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना फियर का सोर्स ही क्या है भाई, फियर का सोर्स क्या है, आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जानते ही हैं मेरे सारे वीडियोस में चाइल्डहुड कंडीशनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप समझ ही चुके होंगे, या फिर आपके कोई एक्सपीरियंस की वजह से आया है, या फिर आपने कोई रेफरेंस कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सो इस वजह से जो भी फियर आया था ये इधर से आया था आपका, जैसे ही आप इसे फेस करेंगे तो आप क्या है, आप उस फियर से बाहर आना शुरू कर देंगे। क्योंकि एस्केप नहीं करना है आपको, क्या करना है, एक्सपोज करना है। एक्सपोज करते ही फियर का साइज घटने लगता है। अभी फियर क्या है, इतना बड़ा है और आपकी हिम्मत इतनी छोटी है। आप हिम्मत को थोड़ा 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 बढ़ाते जाइए और ये क्या है, थोड़ा थोड़ा नीचे आता चला जाएगा और एक दिन आपकी हिम्मत से ये जो फियर है ये ख़त्म हो जाएगा। एक्सपोज करना ही इसका इलाज है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप एक अपने कंफर्ट जोन में, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में बैठकर जो है ना अपने फियर को पूरा ख़त्म कर लेंगे। हाँ, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में बैठकर आप क्या कर सकते हैं, मेंटल एक्सपोजर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप एक्चुअल एक्सपोजर नहीं कर सकते तो आप क्या है, मेंटल एक्सपोजर कर सकते हैं इमेजिनेशन टेक्निक्स के थ्रू। मैंने कई सारी वीडियोस में पहले भी बताया है कि आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स कर आप उन सिचुएशंस को इमेजिन कीजिए जिनसे आपको डर लगता है, और मेंटली एक्सपोज कीजिए कि आप उन सिचुएशंस को कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हैं, उसमें आराम से जा रहे हैं। नोटिस कीजिए अपने फिजिकल सेंसेशंस को कि कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं। देखिए अपने माइंडसेट को कि कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तब पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रही हैं। और देखिए अपने डेयरिंग एटीट्यूड को कि आप जा रहे हैं और आप जो है ना अपने फियर से बाहर आ चुके हैं। और ग्रैटिट्यूड शो कीजिए गॉड को कि उसने आपका ये फियर ख़त्म कर दिया। थैंक्स कहिए अपने आप को, शाबाशी दीजिए अपने आप को कि आप हिम्मती इंसान हैं। इस तरह के मेंटल एक्सपोजर से भी आपके अंदर सेम ब्रेन केमिकल्स रिलीज होंगे, ब्रेन केमिस्ट्री चेंज होगी, आपके अंदर हिम्मत आएगी और आप रियल सिचुएशंस को एक्सपोज करने के लिए तैयार होंगे। तो इस तरीके से आप अपने फियर को कॉन्कर कर सकते हैं। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। एंड ये माइंड की चाल के लिए ज़रा अवेयर रहिएगा कि ऐसी खिचड़ी पकाता है। तो ये वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना चाहे, लेकिन इस वीडियो से जो सीखा है उसे ज़िंदगी में ज़रूर ज़रूर अप्लाई करना, तभी आप अपने फियर से बाहर आ पाओगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।